हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन। गाइस, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में यानी 2023 साल का एफडी के ऊपर जो नया इंटरेस्ट रेट रहेगा उसी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे और एक एग्जाम्पल के तहत ये भी बताएंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल यानी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात करें तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कोई जनरल सिटीजन या फिर कोई सीनियर सिटीजन या तक कि कोई माइनर भी अगर चाहे तो अपने पेरेंट्स के भी हक में इस एफडी को कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात करें तब मिनिमम केवल 100 रुपया से ही आप एफडी कर सकते हैं, तो एक काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 5 लाख से कम होता है तब उस सिचुएशन में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 5 लाख से ज्यादा है और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस भी लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात करें तब आपके एफडी के ऊपर टीडीएस तभी लागू होगा अगर किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तब आपके एफडी के ऊपर टीडीएस तभी लागू होगा अगर किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन है तब किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होने पर, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होने पर टीडीएस लागू होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एफडी करते हैं और अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं तब आपके एफडी के ऊपर टीडीएस नहीं लागू होगा। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर अप टू 90% तक आप लोन के तौर पर ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एफडी का अमाउंट अगर 1 लाख रुपीज है तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर 90% तक यानी 90,000 तक आप लोन के तौर पर ले पाएंगे। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें तब आपके एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर साल में 2 बार, ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर 60 साल से ज्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% हर एक सिचुएशन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 14 दिन के अंदर एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.15% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। और अगर आप 3 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पे 2 स्पेशल FD प्लान भी दिया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप 555 दिन के लिए एफडी करते हैं और अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 15 लाख से कम है तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा
6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। लेकिन अगर आप 555 दिन के लिए एफडी करते हैं और अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 15 लाख से ज्यादा है तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और अगर आप 999 दिन के लिए एफडी करते हैं और अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 15 लाख से कम है यानी अगर आप 15 लाख से कम का कुछ भी अमाउंट के एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। और अगर आप 999 दिन के लिए एफडी करते हैं और अगर आपके एफडी का अमाउंट अगर 15 लाख से ज्यादा है तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। तो गाइस चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल या फिर 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रहेगा 6.15% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,293 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,818 रुपया का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,33,036 रुपया का। और गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,36,394 रुपया का। और गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,76,987 रुपया का। और गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,85,924 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ओवरटेकिंग बैंक है। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पड़ने पर संतुष्ट होंगे तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।